मेरा नाम विक्की राज है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें मोहम्मद आजम खान साहब की रिहाई की मांग करी है, क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब बेगुनाह और निर्दोष होते हुए भी 26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं और 9 पाई 2021 से कोरोना संक्रमित होने की वजह से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां उनकी हालत खराब बताई जा रही है। आजम खान साहब की सिर्फ यही गलती रही है कि उन्होंने कमजोर और मजदूरों के बच्चों को शिक्षित बनाने का बीड़ा उठाया है, उनके हाथों में कलम देने का सोचा था, यही उत्तर प्रदेश सरकार को नागवार गुजरा और कुछ ही समय के अंतराल में आजम खान साहब पर 100 से अधिक मुकदमे लाद कर उनको सीतापुर जेल भेज दिया गया। आजम खान साहब ने अपनी सरकार में सिर्फ रामपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की झड़ी लगा दी थी, जिनका जीता जागता नमूना रामपुर में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा प्लांट जो आजम खान साहब ने अपनी सरकार में बनाया था, जो आज कोरोना काल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आजम खान साहब वे शख्स हैं जो कमजोरों की मजबूत आवाज हैं, लेकिन इसी आवाज को उत्तर प्रदेश सरकार दबाना चाहती है। अपने इन्हीं मंसूबों को पूरा करने के लिए आजम खान साहब को इतने फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाला गया है। हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ये मांग है कि आजम खान साहब के साथ इंसाफ करें और आजम खान साहब को अंतिम जमानत पर रिहा किया जाने के आदेश पारित करें।